जैत पुलिस द्वारा प्राइवेट वाहनों में सवारियां बिठाकर उनका सामान गायब करने वाली टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए यात्रियों के नकदी जेवरात भी बरामद किए हैं। इस मामले में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसपी सिटी एमपी सिंह द्वारा खुलासा करते हुए बताया गया कि गिरोह के यह सदस्य हाईवे, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड के आसपास खड़ी सवारियों को प्राइवेट कार या अन्य वाहन में बैठाकर और उनके साथ अपने साथियों को यात्रियों के रूप में प्राइवेट गाड़ी में बिठा लेते हैं और मौका पाकर वाहन सवार यात्री का सामान चोरी कर उसके बैग की चेन पर फेविक्यूब डालकर बीच रास्ते में आरटीओ की चेक इन अथवा ओवरलोडिंग चेकिंग का बहाना बनाकर यात्रियों को उतार देते थे। बाद में जब यात्री बामुश्किल बैग खोलते तो उनका सामान पार मिलता था। ऐसे मामलों की कई घटना होने पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया तो टप्पेबाज गिरोह के साथ साथ सातेरों को दबोच लिया गया, जो कि फिरोजाबाद, फरीदाबाद, अलीगढ़, एटा के रहने वाले हैं, जिनके पास से पुलिस ने सोने की चैन, कानों के झुमके और 9700 रुपये बरामद किए हैं। इस संबंध में एसपी सिटी एमपी सिंह ने जानकारी दी। थाना जैत की पुलिस ने आज एक अंतर जनपदीय टप्पेबाजी गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसके कुल 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी जो है वो इस तरह है कि ये अपनी गाड़ियों में लोगों को बैठाते हैं और आगे आरटीओ चेक हो रहा है, पुलिस चेक हो रहा है, ये करते हुए इनको या तो उतार देते हैं और इसी बीच उनके बाइक से उनके कीमती सामान गायब कर देते हैं। आज इनकी एक मुकदमा हमारे जैत थाने में दर्ज था, उस पर पुलिस लगातार विवेचना के क्रम में आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 9700 रुपये और एक सोने की चेन और दो और सोने के आइटम बरामद किए गए हैं। गैंग के कुछ सदस्यों का पुराना इतिहास भी रहा है, जिन पे कई मुकदमे हैं। फिरोजाबाद और हमारा ये एरिया इनके प्रभाव क्षेत्र में था। आज गैंग के 7 सदस्य जा रहे हैं जेल। ये कभी सवारी के नाम पे बैठाते थे, कभी लिफ्ट देने के नाम पे बैठाते थे। घटनाओं को कब से अंजाम दे रहे? इनका जो आपराधिक इतिहास देख के पता चल रहा है, पिछले 2-3 साल से ये गैंग सक्रिय है।